हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है SSL। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था साइबर सुरक्षा के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे SSL। SSL का आइए जानते हैं फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर, आइए इनके बारे मीनिंग जानते हैं कि SSL होता क्या है। SSL एक इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, SSL को TLS प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ठीक है, TLS का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, इसके दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि इंटरनेट में डेटा को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए यह एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। ठीक है, यानी कि हम जो भी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं वो फुली क्या होना चाहिए? सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, उसे बीच में कोई हैकर हमें डेटा को हैक न करे या चुरा न ले, इसके लिए हम SSL का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इस इंक्रिप्शन तकनीक का निर्माण नेटस्केप ने 1990 में किया था। क्या बोल रहे हैं? इस इंक्रिप्शन तकनीक का निर्माण नेटस्केप ने 1990 में किया था। ठीक है, ये जानते हैं SSL में दो की का प्रयोग किया गया है। एक सबसे पहले होता है पब्लिक की, दूसरा की है प्राइवेट की। ठीक है, आइए जानते हैं कि पब्लिक की होता क्या है। पब्लिक की जो सेंडर और रिसीव दोनों को पता होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि पब्लिक की होता क्या है? जो सेंडर और रिसीव दोनों को पता होता है। अब प्राइवेट की क्या होता है? जो सिर्फ रिसीवर को पता होता है। ठीक है, और आइए जानते हैं उसका प्रयोग कहाँ कहाँ है। ठीक है, इनका प्रयोग है क्रेडिट कार्ड नंबर के लिए, डेबिट कार्ड नंबर के लिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए व अन्य महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को सेफ ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो SSL वो काम कैसे करता है। ठीक है, वो काम कैसे करता है, इसके सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा इसका डायग्राम। ठीक है, डायग्राम में देख रहे हैं ये क्या है आपका सिस्टम है और ये क्या है आपका सर्वर है। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर हम जैसे ब्राउज़र ओपन करते हैं तो ब्राउज़र में आपने देखा होगा सबसे स्टार्टिंग में उनका HTTPS लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? HTTPS लिखा रहता है। ये S से मतलब क्या समझ रहे हो आप? इसी से पता चल रहा हमारा SSL है। ठीक है, ओके, तो आइए जानते हैं इनके बारे में, जानते हैं कि स्टेप कौन कौन सा है। ठीक है, एक ब्राउज़र SSL द्वारा सुरक्षित वेबसाइट से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? ब्राउज़र वेबसाइट को खुद को आइडेंटिफाई करने की रिक्वेस्ट करता है। आप देख पा रहे वीडियो में सबसे पहला ही क्या कर रहा है? ब्राउज़र रिक्वेस्ट से क्या कर रहा है? कनेक्शन कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है? सर्वर वापस उसको क्या कर रहा है? मैसेज दे रहा है। ठीक है, मैसेज सेंड कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड स्टेप में, ब्राउज़र वेबसाइट को खुद से आइडेंटिफिक करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। देन उसके बाद क्या करता है? वेबसाइट को SSL सर्टिफिकेट की कॉपी भेजता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, फिर उसको क्या कर रहा है? उसको SSL क्या कर रहा है? कॉपी भेजता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? ब्राउज़र यह चेक करता है कि SSL सर्टिफिकेट सही है नहीं। ठीक है, अगर सही है तो ब्राउज़र वेबसाइट को एक मैसेज भेजता है। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है? वेबसाइट ब्राउज़र को एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है और एक इस प्रकार वेबसाइट को और ब्राउज़र के SSL इंक्रिप्टेड सेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, आइए आप पहचानते किसका, कि SSL को हम पहचानेंगे कैसे। SSL को पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आप सबसे पहले आप देखे होंगे जब भी कभी भी आप ब्राउज़र खोलते हो तो उसमें सबसे शुरुआती में लिखा रहता है HTTPS, फिर उसके बाद / उसका website.com, या दूसरा हमारा तरीका है इस टाइप से क्या रहता है? लॉक टाइप से रहता है।
तो इसी से हम क्या पहचानेंगे कि हमारा जब भी डाटा ट्रांसफ़र होगा तो हमारा सिक्योर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।